आज की भागम भाग वाली जिंदगी में वाहनों के बिना किसी तरह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज से लगभग 50 साल पहले गांव में एक आध व्यक्ति के पास साइकिल होती थी तो उसकी चर्चा कई गांव में होती थी। यदि किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी तो वो इस इलाके का बादशाह होता था। आज जमाना बदल गया है। यदि घर में 5 सदस्य हैं और 5 लोग अच्छी जॉब में हैं, तो 5 के पास अपनी निजी कारें तो होंगी ही होंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि टायर पंचर की शॉप से आप किस तरह से अपना बिजनेस चला सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। टायर पंचर की शॉप भी 3 तरह की होती है। पहली तरह की दुकान साइकिल या मोटरसाइकिल पंचर की होती है, जो शहरों के बीच में होती है। दूसरी तरह की दुकान कार, ट्रैक्टर आदि के पंचर की होती है, जो शहरों के किनारे पर होती है। तीसरी तरह की दुकानें शहर से काफी बाहर मेन हाईवे या रोड के किनारे होती हैं, जहां पर बड़े वाहनों के टायरों के पंचर बनाए जाते हैं। टायर पंचर की दुकान कहां पर खोलें? टायर पंचर की दुकान का लोकेशन इस बिजनेस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही लोकेशन पर सही तरीके से काम करने में बिजनेस काफी तेजी से चलता है और बिजनेसमैन को काफी मुनाफा मिलता है। विशेषज्ञों की राय है कि टायर पंचर की दुकान की प्राइम लोकेशन के ये मुख्य पॉइंट हैं। छोटे वाहनों के लिए शहर में मुख्य मार्केट में आसपास जहां खुला क्षेत्र हो। 4 पहिया छोटे वाहनों के लिए शहर के पास पेट्रोल पंप के पास शॉप खोलनी चाहिए। यदि आप बड़े वाहनों के टायर पंचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाईवे पर दुकान खोलनी चाहिए, जहां पर इस तरह के वाहन आते जाते हैं। बड़े वाहनों के लिए आप हाईवे के पेट्रोल पंप और होटल ढाबा के आसपास भी दुकान खोल सकते हैं। टायर पंचर बनाने के काम आने वाले उपकरण, छोटे वाहनों के लिए रिंच पाना, ट्यूब पर चिपकाने के लिए रेडीमेड पैच, चिपकाने वाला सॉल्यूशन, एक बड़ा बर्तन पानी भरने के लिए जिसमें ट्यूब को डुबाकर पंचर खोजा जाता है। बड़े वाहनों के लिए कुछ अलग तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, जैसे टायर चेंजर, टायरों को बदलने और उनके पंचरों को बनाने के काम आने वाली मशीन को टायर चेंजर कहते हैं। कंप्रेशर हवा भरने के लिए ये मशीन बिजली की मोटर और डीजल से चलने वाले मोटर से चलती है। पंचर पेटी का इस्तेमाल पंचर बनाने में होता है। गाड़ियों को उठाने और टायर निकालने के लिए जैक की जरूरत पड़ती है। प्रेशर गेज मशीन, इसके अलावा छोटे मोटे औजार और अन्य कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी लागत चाहिए? लोकेशन के हिसाब से दुकान का किराया, बिजली पानी का खर्चा, मशीन उपकरण और पंचर के लिए आवश्यक पैच और सॉल्यूशन आदि पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। यदि सब कुछ जोड़ा जाए तो छोटे वाहनों की पंचर की दुकान खोलने के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की लागत आएगी। बड़े वाहनों के टायर के पंचर की दुकान खोलने के लिए बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। इस तरह के काम करने के लिए 2 तरह की दुकानें होती हैं, उसी तरह से उनका कम ज्यादा किराया होता है। जैसे शहर के बीच में 24 घंटे खुलने वाला पेट्रोल पंप के पास की दुकान का किराया आम दुकानों से दुगना होता है, इसी तरह हाईवे के पेट्रोल पंप और ढाबे के पास की दुकानें भी 24 घंटे और 12 घंटे वाली अलग अलग किराए वाली होती हैं और उनका किराया भी कम ज्यादा होता है। बड़े वाहनों का टायर पंचर का काम करने वाले बिजनेसमैन को कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की रकम खर्च करनी होती है। मुनाफा कितना तक कमाया जा सकता है? इस बिजनेस की कमाई की हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। 8 से 10 घंटे तक दुकान खोलने वाले बिजनेसमैन 2,000 से 5,000 रुपए रोजाना तथा 24 घंटे दुकान खोलने वाला बिजनेसमैन को 5 से 10,000 रुपए रोजाना आमदनी हो सकती है। इतनी आमदनी तो किसी बड़े अधिकारी की भी नहीं होती। तो आप समझ जाइए इस बिजनेस में कितना अधिक मुनाफा है। इस बिजनेस में शुरू शुरू में ही जो मशीनें आती हैं उस पर खर्च करना है, उसके बाद आपकी मेहनत है। मशीनें 10-10 साल तक चलती हैं, तब तक बिजनेसमैन की जबरदस्त कमाई होती है। लाइसेंस की जरूरत होती है। प्रत्येक बिजनेस में लाइसेंस की जरूरत होती है, तो इस बिजनेस में भी लाइसेंस की जरूरत है। इसमें आपको अपनी दुकान का नाम शॉपिंग एक्ट में दर्ज कराना होता है। इसके बाद आपको GST नंबर लेना होता है। साथ ही कारोबार करने के लिए आपको अपनी लोकल अथॉरिटी जैसे ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। मार्केटिंग की जरूरत होती है। इस तरह की बिजनेस में मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसी का टायर पंचर हो जाता है तो वो ऐसी दुकानें खोज ही लेता है। लेकिन एक बात अवश्य ही दुकान के चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो ये कि आपका व्यवहार और आपके द्वारा किए गए काम की क्वालिटी। ये दोनों सही होते ही जो व्यक्ति एक बार आपसे काम कराता है वो अपने मित्रों और परिचितों को भी जरूर बताता है। इससे आपके बिजनेस को काफी फायदा होता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।